देहरादून में आरटीओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं उनमें डस्टबिन और डस्ट बैग रखना अनिवार्य होगा। अब आरटीओ विभाग द्वारा सार्वजनिक वाहनों के लिए शर्त रखी जाएगी कि वो डस्टबिन रखना अनिवार्य है। साथ ही परमिट में एक और शर्त रखी जाएगी कि सभी सार्वजनिक वाहनों में VLTD लगाना अनिवार्य होगा, जिससे वाहनों की ट्रैकिंग परिवहन विभाग का हेडक्वार्टर से की जा सके। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी तक विक्रम चालकों को टाटा मैट्रिक अप्लाई करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन विक्रम चालकों के अनुरोध पर अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 31 मार्च तक वाहन खरीदे जा सकते हैं। साथ ही 28 फरवरी तक विक्रम चालक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कुछ विक्रम चालक CNG किट लगाने का अनुरोध कर रहे थे, जिस पर आरटीओ की बैठक ने निर्णय लिया कि परमिट की शर्तों के अनुसार CNG किट लगाने की अनुमति दी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो बसों के संचालन 34 बसों का संचालन रोक दिया गया था, उस पर नए सिरे से परमिट मांगने के लिए कहा था, तो उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर थी। उस दौरान दो लोगों ने परमिट के लिए अप्लाई किया गया है और उनके परमिट पास हो गए हैं, उनको परमिट दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक रोड के एक्सटेंशन के लिए भी डिमांड करी गई थी, जिस पर की आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति मिलने के बाद उस रोड के एक्सटेंशन को भी आरटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो।